नमस्कार, मैं के सिंह। लोकसभा में जो कुछ भी विवाद हुआ, रमेश विधूड़ी बीजेपी के सांसद ने अपशब्द कहे, इसको लेके लंबा विवाद चल रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन आप स्थितियों को देखें तो लगता ये है कि दानिश अली पे मुकदमा होना चाहिए। दानिश अली ने संसद की गरिमा गिराई, दानिश अली ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दानिश अली ने वो जो लेटर था जिसमें उनको बहुत गाली दी गई थी, वो लेटर जो स्पीकर को लिखा था वो मीडिया को लीक कर दिया। तो कोई ताजुब नहीं है कि दानिश अली को सदन की गरिमा गिराने के लिए सदन में भी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी जो होती है, विशेषाधिकार हनन कमेटी, ये उनपे मुकदमा करे और दूसरा उनपे एक्शन ले और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर में देशद्रोह का मुकदमा दानिश अली पे चलाया जाए कि उन्होंने इसी को जो उनकी पिटाई हुई, जो उनके खिलाफ गालियां हुई और वो घिनौनी गालियां जो बीजेपी सांसद ने दी, उसको उन्होंने बाहर क्यों कहा? और बाहर कहा तो इससे मुस्लिम समुदाय में नाराजगी हुई तो एनबीटी फैलाया। तो 124A देशद्रोह का भी एक केस बनता है और 153A का तो बनता ही है। तो क्यों ना इनको पे आईपीसी का मुकदमा दो धाराओं में लगाया जाए और देशद्रोह में तत्काल इनको बंद किया जाए एनएसए में, क्योंकि ये देश के लिए खतरा है। जो कुछ भी गाली गलौज हुआ था वो तो संसद में हुआ था, संगोल के सामने हुआ था और संगोल तो सारी शिक्षा देता है नैतिकता की। मोदी जी ने कहा था, संगोल जब स्पीकर के बगल में रखा तो कहा ये याद दिलाता रहेगा हमारे कर्तव्यों की और किस चीज की मर्यादा की और गुड गवर्नेंस की। आज बताइए, उन्हीं का सदस्य अगर गाली दे दिया है किसी सांसद को, भले ही वो मुस्लिम सांसद है, तो गाली दे दिया है तो ये बात क्या आप बाहर कहेंगे? बहुत नाइंसाफी है मोदी जी के इस गुड गवर्नेंस में, जिसमें सबका साथ है, सबका विकास है, उसमें जब वो गाली दे रहा है उसको मुसलमान संबोधन करके, और चूंकि मर्यादा है इसलिए हम तो वो शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन दानिश अली ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे शब्द कह दिए। अपना जो लेटर उन्होंने लिखा स्पीकर, उसको उसमें वो सारे शब्द कहे, वो गाली सशब्द कह दी है। और इसको लेके दुनिया की जो तमाम मीडिया है, अल जजीरा से लेके विदेश की मीडिया, CNN, सारी मीडिया ने, सारे चैनलों ने इसको, ये क्योंकि वहां पे ये कानून तो लागू होता नहीं है, हम तो मीडिया देश के हैं तो आप हमें दबा लेंगे, लेकिन विदेशों में भी ये चर्चा में बन गया है कि भारत में मुसलमान एक सांसद को किन शब्दों से नवाजा जाता है। और बीजेपी नवाजी तो रही थी ना, रमेश विधूड़ी नाम का आदमी जिसका पूरा चरित्र ही कई बार इस तरह के पार्लियामेंट में इस तरह का करने के लिए मशहूर है, वो नवाज ही तो रहा था ना, दानिश अली को गाली ही तो दे रहा था। क्या फर्क पड़ता है, गाली दे दिया अगर मुसलमान को तो मुसलमान बाहर निकल के वो सांसद हो या कोई हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? इतनी ही बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारे शब्द, जबकि वो डिलीट हो चुके हैं लेकिन सोशल मीडिया में आ गए हैं, डिलीट हो चुके हैं, लेकिन जब स्पीकर को उसने अपना दर्द बताया तो क्या कहे स्पीकर से कि साहब उन्होंने मुझे कुछ अभद्र शब्दों से नवाजा है, लिहाजा उनके ऊपर मुकदमा को करिए। तो स्पीकर कह देगा नहीं, अब तो निकाल, और यही किया स्पीकर ने। कितनी गरिमामय स्पीकर का कंडक्ट था कि स्पीकर ने चेतावनी दी कि रमेश विधूड़ी भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और क्या चाहिए आपको, रमेश विधूड़ी को चेतावनी मिल गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, देश में इस संसद में दानिश अली को अगर वहां पे बीजेपी और उनके दोस्तों के 400 या 360 एमपी हैं तो एक एक बार तो गाली दे ही सकते हैं, एक एक बार खड़े होके उन्हीं शब्दों में गाली दे सकते हैं और उनको भी चेतावनी मिल जाएगी, कड़े शब्दों में मिल जाएगी स्पीकर की तरफ से। तो दानिश अली तैयार रहे कि संसद में जब भी वो आएंगे तो कोई बीजेपी का एमपी खड़ा होगा और उनको फिर से गाली देना शुरू करेगा, क्योंकि गाली की सजा तो यही है ना कि चेतावनी दी जाती है और चेतावनी इंडिविजुअल होती है। आपने आज विधूड़ी को दिया,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो बगल में सांसद बीजेपी का है ये चेतावनी उसके लिए भी है ना, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि अगर चेतावनी की बात होती तो आपने इससे कम अपराध पे, अधीर रंजन चौधरी ने कौन सा गुनाह किया था, प्रधानमंत्री को कुछ कहा था जो कि आज आपने इन पार्लियामेंट्री किया है, लेकिन वो आम फहम जनरल यूसेज में है, लेकिन उसपे आपने कमेटी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बुला ली। ये अलग बात है कि 10 ही लोग पहुंचे, 4 लोग नहीं पहुंचे, अधीर रंजन ने माफी मांग ली, वरना आप उनको टांग देते। पावर तो आपके पास वो है कि डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी से आप रिपोर्ट मंगवाइए और इसी सदन से निकाल दीजिए उनको, ये पावर आपके पास है। तो यही प्रक्रिया होती है, अधीर रंजन चौधरी ने मांग ली माफी। अब यहां पे इशू ये है कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी होती क्या है, जो भारत के लोकसभा की 15 मेंबर की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी होती है, 10 मेंबर की राज्यसभा की होती है। इस समय जो कमेटी है, ये कमेटी सुनील कुमार सिंह जो बीजेपी के हैं उनके सदारत में बनी है, और आप ताजुब करेंगे कि इनको ये जब इसके से ये बनी थी, ये शायद अप्रैल में बनी, नवंबर में बनी थी 2019 में, तो उसकी बनी थी, उसके बाद से इसमें 8 मेंबर बीजेपी के हैं, एक उनके एलआई के हैं, 8 मेंबर। अब आप बताइए संसद में बहुमत किसका है, आप बताइए कि जब ये डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी बैठेगी तो विद्रोही को क्या कहेगी, जब स्पीकर ने नाराज होके चेतावनी देके छोड़ दिया है तो अब डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी क्या करेगी, उसके पास तो वैसे सारा रिकॉर्ड है, लेकिन करे जब 8 मेंबर बीजेपी के होंगे तो आप समझ सकते हैं कि डिस्कर्स क्या होगा। तो यहाँ पे बीजेपी के जो मेंबर हैं, सुनील कुमार सिंह है जो अध्यक्ष है, राजीव प्रताप रूढ़ी है, राजू विस्टा है, गणेश सिंह है, जनार्दन सिकरीवाल है, दिलीप घोष है, ये सारे लोग बीजेपी के हैं। एक बीजेडी के हैं समंता, ये बीजेडी के हैं, डीएमके कांग्रेस टीएमसी के हैं, सीपी जोशी हैं, सीपी जोशी भी ये बीजेपी वाले सीपी जोशी है, ये कांग्रेस वाले नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 8 मेंबर बीजेपी के हैं, लिहाजा डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में भी वही होगा। बहुमत से कोई भी कमेटी आप संसद की ले लीजिए, अगर आप उस कमेटी के भरोसे रहते हैं कि वहां न्याय मिलेगा तो दानिश अली आप भूल जाइए, दानिश अली ये न्याय इस तरह से नहीं मिल पाएगा। मोदी जी कितनी खूबसूरती से, कल कोई ताजुब नहीं है कि इसी संसद में दानिश अली के खिलाफ मुकदमा हो, दानिश अली के खिलाफ स्पीकर को लेटर लिखा जाए कि साहब इन्होंने पार्लियामेंट्री गरिमा गिराई है, संसद की गरिमा गिराई है, संगोल की गरिमा गिराई है। आज टेलीग्राफ ने बड़ा अच्छा संगोल को याद करते हुए शैम गोल लिखा कि शर्म गायब, शैम गोल, शैम माने शर्म, गोल शैम गोल लिखा है। आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरत हेडिंग है, इस सदन में शैम शर्मो हया नहीं रही। कहने को तो यह है जनप्रतिनिधि जनता से चुने हुए लोगों का, लेकिन शर्मो हया होती तो क्या आप इस तरह के लोगों को लाते, रमेश विधुड़ी आते, रमेश विधुड़ी जनता से चुन के आए हैं, लेकिन अगर उनका आचरण आप देखते हैं कि वो किस तरह से बात करते हैं तो कम से कम सेंगोल लाने के पहले ये चीजें ध्यान में तो रखते। सेंगोल आ गया, बहुत अच्छा हुआ सेंगोल आ गया, लेकिन अगर ये शब्द आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है तो फिर देश को खतरा क्या है, कहीं ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, आप तो एक दूसरे संस्था से ट्रेनिंग लेके आते हैं, लेकिन अगर आपके ट्रेनिंग का पार्ट ये है और वो शब्द मुंह से निकलते हैं तो ये तो सड़क छाप नेताओं के शब्द होते हैं, ये संसद में नहीं बोला जाता है। और आपको याद होगा संसद के बाहर एक बार किसी ने देश के गद्दारों को गोली मारो और जनता से आवाज आई सालों को, और वो कम्युनली चार्ज एटमोस्फियर था, आपका एक सांसद था तो आपने उसको प्रमोट करके मिनिस्टर बना दिया, आपकी लाइकिंग है शायद। और दानिश अली को यही डर है कि इतना बड़ा टैलेंट देख के कहीं वो मिनिस्टर ना बना दे कि साहब ये तो बढ़िया गाली देता है। तो स्थिति यही है, आप जरा सोचिए कैसी पार्टी होगी ज-
जिसमें ये शब्द संसद में बोल के, मैं 45 साल से संसद देख रहा हूं, संसद में वो बोल के और बच सकता है? पार्टी कुछ नहीं करेगी? और सैंगोल लेके आप चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरी प्रतिमूर्ति है आप मर्यादा की, संसदीय व्यवस्था की, नैतिकता की, और संसद लाके एक सैंगोल खड़ा कर दिया। जैसे भारत का संविधान तो कमजोर हो गया था, अब नैतिकता के लिए कोई डंडा चाहिए। तो टेलीग्राफ ने बड़ा खूबसूरत किया है, शैम गोल लिख के अपनी पूरी हेडिंग 8 कॉलम बैनर में, उसको 6 कॉलम बैनर में उसको लगा के, और सैंगोल का एक चित्र दिया है। सैंगोल तो एक छड़ी है, और छड़ी पे लास्ट में उसके जो है उसमें वो लाल रक्त 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 जैसा लाल रंग लगा दिया है, और कह दिया ये छड़ी टेढ़ी हो गई है, छड़ी अब सीधी नहीं है। बहुत शर्मनाक है। आप जरा सोचिए, संसद में दादी शली कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, वो मेंबर पार्लियामेंट उसी उतने ही वोट से चुन के आया है, उसको भी माननीय कहा जाता है, लेकिन दूसरा माननीय जो है वो सत्ता का माननीय है, लिहाजा शायद उसकी परीक्षा थी कि तुम ये गाली दे सकते हो कि नहीं। क्या ये परीक्षा थी? क्या करेगी बीजेपी? आज तो हो गए 48 घंटे, बीजेपी ने सिर्फ एक नोटिस इशू किया है। कारण बताओ, नोटिस किस बात का कारण बताना है? अंधे है, बहरे है, आपने सुना नहीं, वीडियो नहीं देखा कि वो गाली दे रहा है, वो सांसद गाली दे रहा है, और किस किस्म की घिनौनी गाली दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी आप उसको कारण बताओ, नोटिस इशू करेंगे, आपके पास प्रोविजन है समरी उसके, आप याद कीजिए पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी को पहली शिकार थी, हालांकि पहली शिकार वो नहीं थी, सबसे पहला जो भारत आजाद हुआ था तो 1951 में H.G. मुदगल, ये अमेरिका से पढ़े थे, और 3 इनके पास उस जमाने में डिलीट थी। कहा जाता था कि अगर कोई सबसे पढ़ा लिखा आदमी भारत में इस समय है तो H.G. मुदगल थे, 3 सब्जेक्ट में डिलीट थी उनके पास। H.G. मुदगल से के बारे में ये पता लगा कि बुलियन ट्रेडर से कुछ आर्थिक लाभ लेके उन्होंने सवाल पूछा है। नेहरू जी ने कोई इंतजार नहीं किया, और यहां तक कि डिसिप्लिनरी कमिटी भी नहीं बैठाई, जो 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 नियुक्त थी उसको हटा के नई डिसिप्लिनरी कमिटी बैठाई और इनको निकालने का रिकमेंडेशन दिया। H.G. मुदगल ने इस्तीफा दे दिया, तो नेहरू ने कहा नहीं, इसको भागने नहीं देना है, पकड़ो इसको, इसका इस्तीफा भी कहो पार्लियामेंट, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, और गरिमा को इसने नीचे किया है, इसका भी मुकदमा कराओ, इस्तीफा भी नहीं देना तो इसको निकाला जाएगा, और ये कह के नेहरू ने उसको निकाला। ये पहला केस था मिसकंडक्ट का। इंदिरा गांधी का केस आपको मालूम होगा, इंदिरा गांधी का केस 1978 में आया था, और इंदिरा गांधी को इस आधार पर निकाला गया कि शाह कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इन्होंने 4 अफसरों को ऑब्स्ट्रक्ट किया, उनका काम सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई जब वो लोग मारुति का केस देखने जा रहे थे, तो इन्होंने बाधा पहुंचाई। इस आधार पे इंदिरा गांधी की मेंबरशिप खत्म कर दी, एक्सपेल कर दिया। इसके 1 साल बाद फिर से सरकार आती है, और इसके बाद आप राजू करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी पे ये आरोप लगाया गया कि साहब फॉरेन न्यूज़पेपर्स को इंटरव्यू दिया है जहां इन्होंने भारत की गरिमा गिराई है। ये दूसरे शिकार, तीसरे शिकार थे उसके। अभी आपने देखा हो 2005 में जो कैश फॉर वोट वाला किस्सा हुआ था, उसमें भी डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी ने, जिसको DSC कहते हैं हम लोग आम, उसमें उसको निकाला था, और वो 11 के 11 मेंबर संसद से निकाल दिए गए थे। अभी हाल में आपने देखा होगा किस तरह से आपके नेता और राघव चड्ढा को, इसके अधीर रंजन चौधरी का किस्सा आपको मालूम होगा, अधीर रंजन चौधरी ने कुछ कह दिया था प्रधानमंत्री के शान में गुस्ताखी ऐसा माना गया, तो उसपे हुआ, लेकिन उन्होंने खैर क्षमा मांग ली अपने शब्दों के लिए। राघव चड्ढा पे क्या केस था जरा गौर कीजिएगा। मैं क्यों ये पूरा का पूरा कह रहा हूं कि दानिश अली पे मुकदमा होना चाहिए? राघव चड्ढा ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पार्टी के सांसद संजय सिंह को
गलत निकाला गया है और जो बातें कही उन्होंने, इस पे मुकदमा, इस पे डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी बैठी, क्योंकि सांसद ने कंप्लेंट किया लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने और सुशील मोदी ने। और कंप्लेंट क्या था आपको मजा आएगा सुन के, कंप्लेंट था कि साहब सदन की गरिमा इन्होंने बाहर गिराई है, असत्य बोला है, सदन के बाहर असत्य बोला है, ये कहके इन्होंने राघव चड्ढा के खिलाफ इनिशिएट किया। तो मैं यही कह रहा हूं कि आज कोई ताज्जुब नहीं है कि इन्हीं में से कोई एक सांसद उठे और कहे कि हुजूर आपने गाली गलौज डिलीट करा दिया था, अब दुनिया में वो नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हिमाकत देखिए कि दानिश अली बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सदन की गरिमा को गिराया, क्योंकि इससे सदन की गरिमा गिरती है। वो शब्द जब निकाल दिए गए थे तो भी दानिश अली ने उन शब्दों को यथावत बता दिया। और दूसरा आरोप कि साहब स्पीकर को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें ये शब्द डाले थे, अगर वो निकल गए थे तो डाले क्यों, अब तो भारत में कहीं वो शब्द की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्पीकर महोदय ने हटा दिया। और ये कह के एक और मुकदमा हो, क्योंकि वो प्रेस को रिलीज लीक हो गया है, दानिश अली ने वो प्रेस को दे दिया है, हमारे पास भी है पूरी चिट्ठी है, उसमें वो शब्द सारे दिखाई दे रहे हैं जो लिखे गए हैं। और हमारे पास ही नहीं है, पूरी दुनिया के मीडिया के पास है। तो सेंगोल बदस्तूर कायम है, लेकिन सेंगोल के सामने एक बीजेपी का एमपी घटिया गाली देता है और हमारा जो सभापति है, जो स्पीकर है, स्पीकर ने सिर्फ उन्हें डांट दिया है, बहुत ज्यादा डांटा है, कहा कि देखिए चेतावनी देते हैं दोबारा ना हो। और चूंकि चेतावनी उनको दी है तो बीजेपी का दूसरा जो एमपी है कल वो कह देगा, उसको भी चेतावनी दे दीजिएगा। तो अगर बीजेपी के 300 से, यही मोदी जी इसीलिए चाहते हैं कि 400 से ज्यादा एमपी हो हमारे, ताकि एक एक दिन कम से कम कहेंगे तो आराम से चलेगा। हकीकत ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये सत्ता में शीर्ष पे बैठे लोग इसको प्रश्रय दे रहे हैं? कैसे वो जुबान से निकला होगा, उसकी हिम्मत कैसे पड़ी होगी ये शब्द कहने के लिए सदन में? सदन में तो अंदर आते ही एक गरिमा का माहौल बन जाता है, फिर भी अगर उसने कहा है और फिर भी सिर्फ एक कारण बताओ नोटिस दी गई है, फिर भी अगर स्पीकर सिर्फ ये कह के कि नहीं नहीं वो मैं डांट दूंगा ना, और डांट दिया, बहुत सख्ती से डांटा है, अब दोबारा नहीं कहेगा, हो गया बात खत्म, तो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में मामला जाएगा, वहां पे 8 के 8 आपके बीजेपी के हैं, कैसे होगा न्याय? सेंगोल क्या कर लेगा? सेंगोल की पूजा करते रहिए, क्रिश्चियन ईसाई सिख सबको बुला के वहां पे ड्रामा होता रहे। सेंगोल बाहर नहीं होता, सेंगोल छड़ी नहीं होती है, सेंगोल भीतर होता है। ये आवाज सबका साथ सबका विकास ये अंदर से आनी थी, और 9 साल में इन एमपीज को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी कि नहीं ये शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं होंगे, अगर होंगे जिस दिन ये शब्द आ गए पार्लियामेंट में एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे के तुम्हें नहीं बाहर किया जाएगा, उसके बाद फिर कोई एमपी रूह कांप जाएगी ये शब्द इस्तेमाल कर, इस तरह का पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन नहीं, उसकी जरूरत कहाँ है, हम सब कुछ बहुमत से करते हैं ना, डीएससी में भी बहुमत है, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी भी बहुमत से है, संसद में बहुमत है, तो लिहाजा एग्जाम्पल अगर सेट करना है तो दानिश ऐसे लोगों पे करो कि सदन की गरिमा गिराई, क्योंकि जब अगर उनको गाली अंदर दी गई थी तो बाहर क्यों कहा, बाहर तो झाड़पोछ के कहते नहीं नहीं वहां तो मुझे बहुत सम्मान दिया, विदुर जी तो हमारे बहुत अच्छे मित्र है, वो तो हमें सम्मान ही देते हैं, आपको ये कहना, क्योंकि वो तो हट गया है, अब आपकी हिमाकत, मतलब कैसे हिमाकत करेंगे कि आप ये शब्द इस्तेमाल करेंगे। दानिश अली ने बाहर आके सदन की गरिमा गिराई, दानिश अली के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए सदन की गरिमा गिराने का, और इन शब्दों का इस्तेमाल करके, क्योंकि दानिश अली ने यह भी कहा कि ये तो आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं सामान्य जीवन में हम मुसलमानों के लिए, तमाम लोग ये इस्तेमाल आम करते हैं, इससे आपने इनविटी बढ़ाई है। अगर मैं आपको दिखा दूं आईपीसी का प्रोविजन देशद्रोह का जो 124A है,
और अगर हम आपको दिखाते हैं 153a, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के प्रति इलविल पैदा करना, दानिश अलीर आपने यही किया है, बस इतना काफी है देश के द्रोह के लिए। अभी तो ये कानून है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया है, बहुत पहले खत्म कर दिया है, लेकिन स्टेच्यूट में आज भी कायम है। तो एक तो ये है, दूसरा 153A, और फिर आप तो देश के लिए बहुत ही घातक है। आप सदन में कही गई, आपको गाली सदन में दी गई, मान लीजिए पिटाई सदन में हुई, तो आप बाहर आके कहेंगे पिटाई हुई है, बड़ी नाइंसाफी है। आप सदन में हुई पिटाई को बाहर नहीं बता सकते, क्योंकि स्पीकर ने उसको हटा दिया है, अब उसको कभी चर्चा ही नहीं हो सकती। कैसी है व्यवस्था इस सदन की कि जबरा मारे रोवे न दे, आप हमें गाली देते रहेंगे, आप हमें कहते रहेंगे कि तू अपनी औकात में रहते, तू माइनॉरिटी में है, और हम उफ भी नहीं कर सकते, जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते। क्या तुमने मोहब्बत की हर रस्म उठा डाली? तो मोदी जी के सबका साथ सबका विकास में शायद हर रस्म उठा दी गई है, खत्म कर दी गई है। अब देखना है कि सेंगोल कितना नैतिकता ला पाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं ला पाया हमारे माननीयों में, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो नैतिकता नहीं ला पाया है, बाबा साहेब का कॉन्स्टिट्यूशन वो नैतिकता नहीं ला पाया है। हो सकता है कि मोदी जी का सेंगोल ले आए, लेकिन अगर ये नैतिकता नई ब्रांड की होगी तो खतरे इसके बहुत ज्यादा है। देश और विदेश में जो हमारी इमेज बनेगी, आज जो बनी हुई है, अगर गौर से देखेंगे मोदी जी के जो वो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के, उनको छोड़ दीजिए, तो हकीकत ये है कि इमेज बहुत गिरी है, और इस घटना से जो संसद में हुई है मेरे ख्याल से बहुत नीचे आ गई है पार्लियामेंट। मोदी जी कहते तो है कि ये जननी है डेमोक्रेसी की, लेकिन डेमोक्रेसी की जननी के बच्चे अगर इतने बदरुमा दाग के साथ होंगे, तो मेरे ख्याल से प्रजातंत्र तो हम इसको नहीं कह पाएंगे। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए।